हाय गाइस दोस्तों, ये है एटमबर्ग की तरफ से आने वाला रनिशा प्लस सीलिंग फैन और इस वीडियो में इसका रिव्यू अनबॉक्सिंग और आपको बताएंगे इसके पूरे स्पेसिफिकेशंस खासियत के बारे में और कंक्लूजन भी बताएंगे अंत में कि आपको इसे परचेज करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले बता दूं कि आजकल लोग प्रेफर कर रहे हैं ज़्यादातर BLDC फैंस परचेज करना रैदर दैन जो ट्रेडिशनल AC पंखे होते थे उनसे। क्यों वो आपको बता दें, सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है पावर कंजम्पशन। ये जो BLDC फैंस जो आ रहे हैं आजकल वो मतलब उतना ही अच्छा हवा दे रहे हैं, स्पीड दे रहे हैं, लाइट वेट है और सबसे बड़ी बात जो है पावर कंजम्पशन इनका आधा का आधा है। यानी अगर एक ट्रेडिशनल पंखा आपका 70-80-90 वाट कंज्यूम करता है तो ऐसे पंखे मात्र 25-30 वाट कंज्यूम करते हैं, उतनी ही ज़्यादा हवा देते हैं आपको, उतना ही अच्छा। और इन्वर्टर पे आजकल सभी इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी देर बैकअप देता है, बिजली बिल भी कम आता है, तो क्यों नहीं इस्तेमाल करें। ठीक इसी सिलसिले में हम आपको लिए लेकर आए हैं एटमबर्ग का रनिशा प्लस फैन। बॉक्स पे मेंशन है कि एटमबर्ग जो कंपनी है वो IIT बॉम्बे का एल्युमिनियम वेंचर है और आप समझ सकते हैं कि इनोवेशन कितना तगड़ा दिया गया होगा इसमें। और 2 साल + 1 मैंने 3 साल की वारंटी है, 2 साल अगर आप रजिस्टर करते हैं नहीं तो, और अगर आप रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको 1 साल और यानी 3 साल ऑनलाइन रजिस्टर करने की बात की जा रही है, तो आपको 3 साल वारंटी मिल जाएगी पंखे पे। वैसे भी BLDC फैंस का लाइफ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत एफिशिएंट होता है। आमतौर पे जो नॉर्मल ट्रेडिशनल पंखे होते हैं उसमें कंडेंसर ख़राब हो जाता है, स्पीड कम होने लगती है, वो झंझट इसमें नहीं है, कंडेंसर है ही नहीं है। ओके अब बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं क्या ऐसा DC सप्लाई देना पड़ा, ऐसा नहीं है। DC पे मोटर वर्क करता है लेकिन आपको AC सप्लाई 220 वोल्ट्स पे ही चलेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, वो और इंटरनली कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, लिखा हुआ है कि बाईपास का लगा रेगुलेटर को, अगर रेगुलेटर लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके अंदर इनबिल्ट रेगुलेटर है जिससे कि आप रिमोट से एक्सेस करके आप उसे लो स्पीड, हाई स्पीड, मीडियम स्पीड पे कर सकते हैं। और भी चीज़ें मेंशन है, आपको बता दूं कि ये 1200 mm स्वीप देता है, 2 कलर में आता है, 2 कलर अभी मौजूद है इसका, इस मॉडल का एटमबर्ग रनिशा प्लस का, एक वाइट एंड ब्लैक जो कि हमारे पास है आप देख रहे हैं, और दूसरा जो है वो ब्राउन है, कंप्लीट ब्राउन है। मेंशन किया गया कि ब्लेड्स जो हैं एंटी रेजिस्टेंस और डस्टलेस है, डस्ट नहीं पड़ेगा। चलिए देखा जाएगा कि डस्ट कैसे नहीं पड़ेगा। और 1200 स्वीप है, पर्ल वाइट कलर है। अनबॉक्स करते हैं इसे और देखते हैं और क्या क्या चीज़ आपको मिलती है। ये इसका ब्लेड है, इसमें आपको 3 ब्लेड्स मिलेंगे और चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले क्या क्या चीज़, सबसे पहले ब्लेड्स को निकालते हैं। अगर इन ब्लेड्स की बात करें तो ब्लेड्स भी बहुत हैवी नहीं है, लाइट वेट ही हैं और जो इनका डिज़ाइन है वो बिल्कुल अलग है आम पंखों से, ताकि बनाया गया सर्किट ज़्यादा से ज़्यादा आपको हवा दें। और दूसरी चीज़ है कि कहा जा रहा है डस्टलेस है, यानी डस्ट इस पर टिकेगा नहीं। ग्लॉसी है, बहुत ज़्यादा ग्लॉसी है, डेफिनेटली अगर रूम चिपा होगा तो डस्ट पड़ेगा तो वो यहाँ पे आएगा ही, जमा तो होगा ही होगा, चिपकेगा ना इसमें, मतलब आप साफ करेंगे तो वो गिर जाएगा तुरंत, स्टिकी नहीं होगा। ओके ठीक है, ये भी चेक किया जाएगा लॉन्ग टर्म में, आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए पहले इसे हम रखते हैं और इसमें क्या क्या है वो आपको थोड़ा दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो आपका मिल जाता है वारंटी कार्ड, और बिल्कुल भूलिएगा मत, रजिस्टर कीजिएगा ऑनलाइन तो आपको 1 साल की एक्स्ट्रा वारंटी मिलेगी, यानी 3 साल की वारंटी हो जाएगी। इसके अलावा ये दो कैप्स हैं, ओके, एक ऊपर एक नीचे लगाने के लिए, जैसे आम पंखों में मिलता है, पंखा में तो और कुछ खास रहेगा नहीं। ये आपका मोटर, बाद में देखेंगे इसे, और बेसिकली ये एक एक्सिस रड जिसके ऊपर हैंग होगा, बैटरी फॉर रिमोट, हैंगर, एंड फाइनली ये है आपका रिमोट कंट्रोलर। देखिए कितना छोटा सा पंखा है और सब कुछ दिख रहा है, अगर आप देखें यहाँ पे बिल्कुल ग्लास टाइप का मटेरियल है, आपको पूरा कॉइल दिख रहा होगा इसमें, दिख रहा है ना, बिल्कुल अलग टाइप का सब कुछ है। तो ये है पंखा, काफ़ी लाइट वेट है और बहुत छोटा यूनिक डिज़ाइन है। हालांकि इसी मॉडल में इस टाइप का डिज़ाइन आपको मिलेगा, बाकी जो दूसरे मॉडल्स हैं वो अलग अलग टाइप के डिज़ाइन कराते हैं। यहाँ पे LED लाइट्स हैं जो कि पंखा के अलग अलग स्पीड्स को दिखाएंगे, और नाइट लाइट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं इसका, थोड़ा सा हल्का फुल्का लाइट, तो ग्रेट। चलिए इसे हम लगाएंगे। और ये रिमोट कंट्रोलर जो है, इस रिमोट कंट्रोलर में पावर ऑन करने की सुविधा है, LED लाइट्स जो कि यहाँ ग्लो करेंगे, स्पीड कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं,
बूस्ट कर सकते हैं। अगर वोल्टेज कम है तो बूस्ट बटन दबाएंगे तो बूस्ट मोड में कम वोल्टेज में भी ये ज़्यादा अच्छा काम करेगा। उसके बाद टाइमर भी दिया गया है, अगर आप चाहें तो 2-3 घंटे के बाद ऑफ हो जाए ऑटोमेटिकली तो वो भी हो जाएगा। स्लीप मोड है, स्लीप मोड में बेसिकली आपका ये LED लाइट जो है ऑफ हो जाएगा और वैसे ही काम करेगा। चलिए इसे इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद आपको हम दिखाते हैं इसका क्या परफॉर्मेंस है। सो गाइज, हमने इस पंखे को अब इंस्टॉल कर दिया है और एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छा लगा इंस्टॉल करने वक्त कि ये पंखा बहुत लाइट वेट है, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी, खुद ही एक हाथ से ऐसे पकड़ा लगा दिया सब कुछ। पंखे का वज़न जो है ना लगभग 1 किलो 40 ग्राम है जो कि बहुत नॉमिनल है और इंस्टॉल करने में बहुत आसानी से इंस्टॉल कर दिया हमने। अब चलिए इसकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे, शुरुआत करते हैं इसका टेस्टिंग। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर और हम पावर ऑन करके शुरू करते हैं। ओके, तो आप चाहें तो LED ऑन या LED ऑफ मोड में रख सकते हैं। LED ऑन मोड में है तो LED इंडिकेट करेगा, ऑन के साथ साथ स्पीड जितना भी स्पीड बढ़ेगा उतना LEDs ग्लो करेगा। 6 स्पीड है, ऑन करते हैं। राइट, जैसे ऑन करेंगे एक बार पंखा ऐसे ब्लिंक करेगा LED और फिर स्पीड पकड़ेगा। तो ये जो है अभी करंटली स्पीड 1 पे है, मतलब एक स्पीड सबसे मिनिमम स्पीड है ये। और इस स्पीड में भी अगर ठंडी है हल्का तो उसमें लगा के आप पंखा सो सकते हैं। स्पीड बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं। स्पीड 2, 2 LED ब्लिंक कर रहा है तो स्पीड बढ़ गया। स्पीड 3, स्पीड 4, स्पीड 5, स्पीड 6, तो ये 6 जो है स्पीड है, ये मैक्सिमम स्पीड पे ऑपरेट कर रहा है। और हवा जो है कहिए मत, तूफान है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि जो हाई स्पीड पंखे आते हैं ना छोटा वाला दुकान वगैरह में आता है, वैसा स्पीड है इसका, तगड़ा स्पीड है। बहुत अच्छा कवरेज भी है इस रूम का। अगर ये रूम जो है 15x12 का है मेरा और आराम से यहाँ पे एक डबल बेड का सोफा लगा हुआ है और आराम से इस पे दोनों को आराम से सफिशिएंट है, सेंटर में लगा हुआ है, दोनों तरफ हवा जो है सब जो है काफ़ी अच्छा है, थ्रू एयर का काफ़ी सही है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना लाइट वेट पंखा होने के बावजूद इन्वर्टर पे चल रहा है, ये ऑपरेट कर रहा है, कोई भी होमिंग नॉइज नहीं है, जो है इस हवा का स्पीड का जो है आवाज़ आ रहा है आपको। ओके, तो यहाँ पे बूस्ट मोड एक दिया है रिमोट पे और इस बूस्ट मोड को ऑन कर तब करना है आपको जब मान लीजिए वोल्टेज कम है, मान लीजिए कभी कभार 100 वोल्ट है, 150 वोल्ट, क्योंकि ये DC फैन है और AC से कन्वर्ट होकर DC में जा रहा है। और 100 वोल्ट भी अगर है तो आप चलाएंगे तो इतना ही स्पीड देगा जितना 220 पे देता है, क्योंकि बूस्ट मोड में क्या होता है ना कि आपका बूस्ट मोड जब ऑन होता है तो 100 वोल्ट पे ही वो जितना चाहिए उसे 6 पे ऑपरेट करने के लिए उतना पावर दे देता है। इस बार टाइमर दिया हुआ है, टाइमर से आप सेट कर सकते हैं 1, 2, 3 घंटे मैक्सिमम आप टाइमर सेट कर सकते हैं। 3 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, 2 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, जो चाहें। उसका स्लीप मोड है, स्लीप मोड में आप चाहें तो LED को ऑफ कर सकते हैं, ये LED नहीं जलेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं जलाना तो LED को आप ग्लो कर सकते हैं। ठीक है, ग्लो करके आपको मान लीजिए थोड़ा आदत है कि नाइट लैंप जलाने के लिए तो नाइट लैंप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी सही है इस पंखे का। आइए अब बात करते हैं कंक्लूज़न की। तो सबसे पहले बता दूं कि बहुत सारे लोग ये सोचेंगे शुरुआत में कि क्योंकि ये पंखा थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि 3,500 से लेकर 4,000 के बीच में ये पंखा आता है और जो ट्रेडिशनल AC फैन होता है सेलिंग वाला वो लगभग 1,500-1,600-1,500 में आता है, तो आप सोचेंगे कि इतना ज़्यादा पैसा क्यों लगाएं। देखिए, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो एक ट्रेडिशनल फ़ैन में और इसमें जो फ़र्क है वो बहुत कमाल का है। पावर कंजम्पशन, इन्वर्टर पे ज़्यादा बैकअप देना, यानी अगर वो पंखा आपका 70 वाट कंज्यूम करता है तो ये पंखा 28 वाट कंज्यूम करता है। ये यहाँ पे पावर सेविंग में है फ़ायदा। उसके अलावा पावर अगर कम कंज्यूम कर रहा था, इन्वर्टर पे पावर कट हो गया तो ज़्यादा देर तक जलेगा वो पंखा। अगर आपका 4 घंटा चलता है इन्वर्टर पे सभी घर के, तो ये पंखा 8 घंटे चलेंगे, 9 घंटे, 10 घंटे चलेंगे। एडिशनल एडवांटेज है, कैपेसिटर नहीं होता है, कंडेंसर नहीं होता है इसमें, उसमें बार बार चेंज करना पड़ता है, ये झंझट बिल्कुल ही नहीं है। और मोटर काफ़ी पावरफुल है, हवा बहुत तगड़ा दे रहा है, तो
मेरे हिसाब से ये सही होगा कि आप एक बार इन्वेस्ट कीजिए और एक सही प्रोडक्ट लीजिए। 3 साल की वारंटी आम पंखों पे, 1 साल की वारंटी होती है उन पंखों पे, और यहाँ पे 3 मिल रहा है। तो बताइए, फैसला आपको करना है। अगर पसंद आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप अमेजोन से चेकआउट कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, वहाँ से भी कर सकते हैं। और अगर ये नहीं पसंद आया तो आप इसका हायर वर्सन जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या लास्ट में यहाँ पे आपको दिख रहा है, वॉच कीजिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।